शाहिद जी आपके राइट में कहाँ से? हाय हाय शाहिद जी, सवाल ये है कि बहुत ही बेहतरीन ट्रेलर है, लेकिन सवाल ये है कि कबीर सिंह की हमने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट अंदाज देखे, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल देखे, जैसे अल्कोहल लेता है, स्मोक करता है, वो आइस को अपने पैंट में रखता है, आपका कौन सा फेवरेट रहा? आइस को पहन के रखता है, पैंट में रखता है, पैंट में रखता है, आपका कौन सा फेवरेट रहा? एंड शूटिंग के दौरान आपको बहुत ही आपको एंजॉय किया? बहुत गर्मी थी, आइस वाला मस्त था। बहुत गर्मी हो जाती है ना बॉम्बे में। एंड कियारा जी, तकरीबन हाय कितने किसिंग सीन होंगे आपके एंड शाहिद के? मैंने गिने नहीं अभी, आपको देखना पड़ेगा 21 जून। उसी का पैसा है। राहुल यार फ्रॉम द फिल्मी चर्चा, मेरा सवाल आपसे ये था, सबसे पहले तो ट्रेलर बहुत ही बेहतरीन था और थैंक यू बड़ी। और एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, टीजर में भी गाली थी, अभी भी नोटिस किया होगा कि आपके एक्शन और रोमांस से ज़्यादा आपकी गाली पे सीटी बजी थी सर, तो मेरा सवाल ये था, खैर फिल्म में तो गालियाँ मनोरंजन के लिए डाला गया है, पर आपका रियल लाइफ में गाली से कैसा एक्सपीरियंस है? आखिर आपकी नज़रों में गाली है क्या और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है सर? बेटा PhD करना पड़ेगा ये सवाल का। गाली के ऊपर आज तक PhD का ऐसा कहीं पे भी सिलेबस में है नहीं, सिर्फ कबीर सिंह के सिलेबस में हो। नो बट मैंने इसलिए शुरुआत में जब हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात की थी फिल्म की, मैंने यही कहा था कि प्लीज़ आप फिल्म की जो सोल है, फिल्म की जो लव स्टोरी है और जो कैरेक्टर का पेन है, प्लीज़ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप 2.5 मिनट का ट्रेलर देख रहे हैं, उसमें ज़्यादातर फिल्म की कहानी, और क्योंकि ये टाइटल रोल है इसलिए कैरेक्टर का एटीट्यूड, क्योंकि आप कबीर सिंह को देखने आ रहे हैं, सो यू वुड नीड टू नो कि कबीर सिंह है कौन, मैं 2.5 घंटे उसको झेल पाऊंगा नहीं झेल पाऊंगा, मुझे एंटरटेन करेगा, मुझे रुलाएगा, मुझे हंसाएगा, क्या करेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ कबीर सिंह एंड द हेड स्पेस ऑफ द कैरेक्टर। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं वो कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगता, जब मैंने ओरिजिनल भी देखी थी इसकी, एक्चुअली ओरिजिनल फिल्म है अर्जुन रेड्डी जो काफ़ी सिमिलर फिल्म है, तो अगर आप वो देखेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि ये 2.5 मिनट के अंदर इतना ही समझा सकते हैं हम लोगों को, लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे 2.5 घंटे की, यू विल अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ द कैरेक्टर एंड होपफुली यू विल कम अवे विद समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज द लव स्टोरी इज़ वेरी पैशनेट एंड वेरी ऑनेस्ट। येस द कैरेक्टर हैज़ अ क्रेजी एटीट्यूड एंड येस दैट्स एक्साइटिंग, बट द फिल्म इज नॉट जस्ट एक्साइटिंग, देयर इज अ लॉट मोर टू इट। शायद ऑन योर लेफ्ट, हाय दिस इज सिमरन सिंह हियर एंड कांग्रेचुलेशंस टू योर टीम फॉर द फैंटास्टिक ट्रेलर। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको जब हमने जब भी ऐसे रोल्स में देखा ना, एजी रोल, जैसे हमने अभी जस्ट आपने भी बात की कमीने हो गई या हैदर हो गई या उड़ता पंजाब, ऑल दिस फिल्म्स, एंड अगर बात करें तो एक जो कमर्शियल एक जो एलिमेंट होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग होता है, बट इस मूवी में वो दिखाई दे रहा है, तो आप वो बताइए कि हाउ डिफरेंट इज इट व्हेन यू प्ले सच अ रोल और व्हेन यू चूज सच अ फिल्म, यू हैव टू, बिकॉज हमने अर्जुन रेड्डी देखी है, इट्स अ वेरी डार्क फिल्म, मतलब देखा जाए तो उसको एक जिस हिसाब से ट्विस्ट किया गया है, जो ऐड किया गया बॉलीवुडनेस जो हम अगर कहे, सो यू ओनली सर, आप ही बताइए। आई थिंक कुछ हद तक इस सवाल का जवाब संदीप को देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट यू लाइक द ट्रेलर। अर्जुन रेड्डी अगर आपने देखी है तो वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी लोगों को, एंड बिकॉज इट्स अ लव स्टोरी एंड इट्स अ स्टोरी अबाउट हार्ट ब्रेक ऑल्सो, तो उसके अंदर ऑफकोर्स इमोशनल मोमेंट्स होंगे, पैशनेट मोमेंट्स होंगे, टेक्निकली डार्क मोमेंट्स होंगे, लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म एंड अ वेरी पैशनेट फिल्म। इसको कहीं भी बॉलीवुडाइज वर्ड मुझे एक्चुअली पसंद नहीं है, बिकॉज उसका मतलब क्या होता है मुझे पता नहीं, कौन सी चीज़ें फिल्म को बॉलीवुडाइज करती हैं। अगर देखा जाए तो नहीं, फिल्म की जो एनर्जी है और जो वर्ल्ड है हमने उसको चेंज नहीं किया है। इनफैक्ट मे बी संदीप यू वुड लाइक टू कॉमेंट ऑन दैट, दैट इट्स वेरी सिमिलर टू अर्जुन रेड्डी और यू नो। It's pretty much similar, but you know, once the region and the topography changes with the character from Reddy from Hyderabad, Mangalore to Singh from Delhi to Bombay, so things like that will change with the region and the character and the caste system in the north. So other than that, I think we kept the core emotion same and try to treat it in a little different way, we didn't change the skeleton of the film or the core emotion of the film. Oh, dark ka to aise hai, abhi Game of Thrones itna popular hai yaar, it's quite a dark in terms of, you know, so I don't think that makes a difference. As I said, it's not a dark film, as I said Arjun Reddy was a dark film, it was not a dark film, it was it's treated little in a darker way, because the film starts with a little gloomy melancholic mood, so probably you might have felt that way, but it's a very character driven film, a man with a broken heart, but I don't feel it's a dark film.
वो आइस वाला शॉट नहीं देखा था, वो डार्क लगा। शायद मेरा सवाल आपसे, शायद बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत बेहतरीन ट्रेलर, वी जस्ट लव्ड इट। और बहुत बार जिक्र करा गया ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल, टूटा हुआ दिल। लगता है जब हम आपको देखते हैं ऑन स्क्रीन, दिखता है कि हाँ टूटा हुआ। अच्छा मुझे लगा अच्छा ऑन स्क्रीन बोल रहा है, ऑफ स्क्रीन जब हम आपको देखते हैं बड़ा टूटा हुआ। नहीं नहीं, यू आर फुल ऑफ लाइफ, वी लव यू, थैंक्स। तो जब हम बात करते हैं, जैसे मैं रिपीटिंग माई सेल्फ, क्या उस किरदार के अंदर उस बात को डालने के लिए इतना सब कुछ जो कर रहा है, मतलब पैंट में आइस क्यूब डाल रहा है और लगा पड़ा है। आइस क्यूब नहीं है वो, क्यूब फ्रिज में होते हैं। हाँ मतलब वो, वो गोले वाले के पास क्यूब नहीं होते, अलग अलग शेप। अच्छा वो गोल अलग अतरंगी तरह के जो बर्फ डाल रहे हैं, कुछ एक दो पोकी भी होते हैं। हाँ चुपते भी हैं शायद। तो क्या क्या खास स्टडी करी जब यू नो टू बी इन कबीर सिंह, और हमको दिखता है स्क्रीन पे कि हाँ दिस इज कबीर सिंह, और वाकई में कोई है शख्स जिसका प्यार में दिल टूटा हुआ है और वो उलझुल हरकतें कर रहा है। व्हाट व्हाट यू नो, सी द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग अबाउट डूइंग अ रीमेक, स्पेशली जब आप सेम फिल्म मेकर के साथ वो फिल्म बना रहे हैं, तो वो एक बार वो फिल्म बना चुके हैं और जो फिल्म कैरेक्टर ड्रिवन होती है, जैसे टाइटल रोल है और वो कैरेक्टर की इमोशनल जर्नी जो है और उसकी लव स्टोरी जो है प्रीति कैरेक्टर के साथ, वो ही पूरी फिल्म है, उसकी इमोशनैलिटी और उसका इमोशनल आर्क ही फिल्म है। तो उसको रीडिस्कवर करना बहुत चैलेंजिंग होता है, बिकॉज मुझे ओरिजिनल फिल्म बहुत अच्छी लगी थी और मुझे उसमें विजय का काम बहुत ही बेहतरीन लगा था, और ऐसा लगा था पता नहीं मैं उतना अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज उन्होंने बहुत ही अच्छा निभाया, उनकी पहली फिल्म थी, लोगों ने पहली बार उनको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, तो उसकी एक अलग वैल्यू होती है, एक अलग अपील होती है। लेकिन जब मैं और संदीप मिले, हमारी कोशिश यही थी कि हम कबीर सिंह की सोल को ढूंढ सकें और कबीर सिंह के दिल का जो दर्द है और उसकी जो इंटेंसिटी है और उसका जो पर्सोना है उसको लोगों तक पहुंचा सके। सो द एफर्ट वाज टू ट्राई एंड मेक एन ओरिजिनल फिल्म विदाउट यू नो लूजिंग द इनहेरेंट ब्यूटी ऑफ अर्जुन रेड्डी, दैट वाज आवर इंटेंट। एंड यू सेड दैट यू आर फीलिंग दैट यू आर कनेक्टिंग विद द कैरेक्टर, एंड इफ दैट इज द फिल्म, आई मीन अगर आप कबीर सिंह के साथ कनेक्ट करेंगे और अगर आप कबीर और प्रीति की लव स्टोरी के साथ कनेक्ट करेंगे, देन आई डोंट थिंक यू विल बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज इट्स यू नो इट्स अ लवली फिल्म, इट्स अ लवली फिल्म। तेरा नहीं टूटा क्या? सबका टूटा भाई, जिसका नहीं टूटा है वो हाथ उठाओ, देखो एक भी हाथ नहीं उठा। भूषण जी के भी हाथ नीचे हैं, कियारा का भी हाथ नीचे है, संदीप के तो दोनों हाथ नीचे, क्योंकि इसने तो बनाई है फिल्म, सबका टूटा है यार। शायद शायद ऑन योर राइट, शायद हाय। आप मिले होंगे मुझसे इस फेज में मेरी लाइफ के, कभी नहीं देखा आपने, सिर्फ फर्क ये था कि मैं क्लीन शेवन रहता था, तो दिल में मेरे क्या हो रहा है वो पता नहीं चलता था, दिल तो सबका टूटता है। एंड आई थिंक कबीर सिंह के लेवल तक कोई नहीं ले जाता, बहुत कम लोग होते हैं जो उस लेवल तक ले जाते हैं सिचुएशन को, दैट्स व्हाई प्रोबेबली ही इज अ कैरेक्टर दैट यूड वांट टू वॉच अ फिल्म अबाउट, बिकॉज ही इज सो डिफरेंट एंड सो न्यू। बट ऑफ कोर्स दिल टूटता है, जब दिल टूटता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है ब्लैक एंड वाइट फिल्म देख रहे हो आप, लाइफ में कुछ कलर नहीं होता, बट देन यू हैव टू गेट ओवर इट एंड मूव ऑन, है ना? जस्ट लाइक यू ऑल्सो डिड दैट, या Shahid, on your right. I just enter. Here. Hi, Shahid. On Hi. Your right. First of all, amazing trailer, Ankita Thank from you Republic. So much. Thank you. Event se ek prerna li to you know play a character like that. नहीं, मैंने सिर्फ संदीप की personal life से prerna ली है. Did you see the movie? आपने कितनी बार उस film को देखा? Arjun Reddy? Yeah. मैंने एक बार देखी थी, इनफैक्ट भूषण जी ने मुझे देखने के लिए कही थी, एट दैट टाइम नोबडी हैड द राइट्स, देन मुराद भाई टुक द राइट्स ऑफ द फिल्म, एंड व्हेन ही केम टू मी वी हैड यू नो आई टोल्ड हिम आई लव द फिल्म, बट आई डिडंट नो हु हैड द राइट्स ऑफ द फिल्म और वेदर इट वुड बी मेड इन हिंदी, और हमारी बातचीत हुई तो दोनों को ये महसूस हुआ कि संदीप को छोड़ के ये फिल्म कोई बना नहीं सकता। हमें ये भी नहीं पता था कि संदीप को हिंदी आती है नहीं आती है, यू नो व्हाट इज हाउ मच डज ही अंडरस्टैंड, वुड ही बी ओपन एंड विलिंग टू डू रीमेक ऑफ द सेम फिल्म इन हिंदी। फिर हम संदीप से मिले एंड वो मुझसे हिंदी में बात कर रहे थे, इंग्लिश में बात कर रहे थे, यू नो ही इज यंग, ही इज कूल, ही इज हैपनिंग, ही डजंट फील लाइक द काइंड ऑफ गाय दैट यू नो वुड हैव यू नो, सो वी फेल्ट लाइक ही इज समबडी हु कुड हैव मेड अ हिंदी फिल्म, ही सेड ही इज वेरी कंफर्टेबल इन द लैंग्वेज, एंड दैट्स हाउ द फिल्म हैपेंड। ऑल्सो थोड़ा सा हटके एक और क्वेश्चन है, बट इट इज इम्पॉर्टेंट, of course world cup is coming up, it's approaching, and I think you are a cricket fan, so a small wish for Virat Kohli and for the team India, if you can, you know, you like Virat Kohli a lot, na? Well, you took his name and then the rest of the team was on one side. Virat Kohli and the team, he's the captain, of course, then of course, no, wishing the Indian team all the best, we have a great chance this year, I think we're a fantastic team, and
yeah, I'm really looking forward to it. I really have very high hopes this year. I'm sure we're going to go very far. Yeah. Shahid, on your right, Faridun from Border Nangama. Yeah, hi. Hi, Faridun. Excellent promo. Classy bhi hai, masi bhi hai, shiddat bhi hai. Mera aap sawal ye tha ki that you've had... Ek bar aur bol de yaar. Tu apne channel pe bol dena hai. Classy bhi hai, masi bhi hai, shiddat bhi hai. Set hai, bro. Ji, so my question to you is that you've had some phenomenal performances in your filmography. Where do you rate Kabir Singh as one of your best performances? I don't think I can comment on, you know, my own performances. But I would rate it pretty high in terms of degree of difficulty. That's usually how I judge my performances. Ki yaar kitna mushkil hoga. So I did feel very insecure and very unsure and very nervous, especially because this is the first time I've done a remake. You know, I've never done a remake where I've seen somebody else's performance and then played that role. It's very different when you read a text, you know, when you read a script and then you talk with the filmmaker and you come up with something where there is no, you know, nothing to compare it to. It's fresh, it's original. But here there already was somebody who did such a wonderful job. So that does change things and makes it a little tricky, you know, because you have to take certain decisions which it's a very thin line between making it so original that it tends to become too different from what it needs to be and making it too similar because then it doesn't feel like a fresh performance. So that to me was the most challenging thing about Kabir Singh. But Faridun, we can answer that and tell you that this is probably his finest performance because every scene, and I can say this and I can vouch for this, that I shot with him, there was not a moment in that didn't feel honest and didn't feel real. And we would see him in his zone, all of us, every single person on set. And by the way, this is the OG, the original Kabir Singh. Arjun Reddy is actually our director. So you had so much angst and intensity on set that it would just flow. Everything yeah, we had raw two intense bulls on the set all the time. And then there was me in between. Sandeep. Like, trying to make and she was the nice energy. You know, the first schedule that we shot was without Kiara. And, you know, it was very angsty because we're doing all the bearded portions of the film. And the minute Kiara came, everybody became nice and happy. And, you know, female energy is so important, I tell you. Bhushan ji, aapke right mein... सवाल ये है कि क्योंकि अर्जुन रेड्डी बहुत ही हिट हुई थी इसलिए एज एन प्रोड्यूसर आपने चूज किया या कोई खास वजह सी बहुत ही डिफरेंट फिल्म है और मींस वी ऑलवेज एज प्रोड्यूसर्स वांट टू शो सिनेमा व्हिच इज़ वेरी डिफरेंट टू फॉर द बॉलीवुड ऑडियंस सो नॉर्मली ऐसा होता है रीमेक्स लोग इस ये सोच के बनाते हैं कि बहुत बड़ी हिट हुई है तभी हम बना रहे हैं बट दिस वॉज रियली वेन आई सॉ द फिल्म उसमें जो कैरेक्टर था मैं तो आई कैन स्टिल गेट ओवर ऑफ दैट कैरेक्टर ऑफ शाहिद कपूर इन दैट सो इट्स अमेजिंग कियारा जी अबे या तो माइक उनको दे दे या सवाल पूछ ले ओके कियारा जी सवाल ये है कि टीजर में हमने देखा था कि शाहिद जी आपको डिफरेंट अंदाज में किस करते हैं आपका कोई रिएक्शन नहीं अरे तेरे बहुत टाइम से क्या कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं रही है क्या नहीं 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 आपने बताया ना कि पैसा उसी का है पैसा उसी का है आपने बताया ना मैंने बोला अगर देखना है तो पैसा देना पड़ेगा कियारा जी उसी का है नहीं बोला वो तूने समझा ऐसा तेरे मन में वही अटका कियारा जी अरे पप्पी छोड़ के कोई और सवाल पूछे एक्टिंग वैक्टिंग भी की इस पिक्चर के अंदर लोगों ने एक्टिंग तो हमें दिख रही है एक्टिंग तो हमें दिख रही है ना वो तो हिट होने वाली है संदीप सर दिस साइड दिस नहीं मैं उम्र में भी बड़ा ही हूँ ब्रो बोल दे कोई टेंशन नहीं है दो बच्चे हैं प्रूफ है मेरे पास Absolutely, like I just said also, while working with him, there was never a moment that I didn't feel like it was honest. And Preeti is somebody who's more responsive than reactive. She's the opposite of Kabir. So every time I had to feed off that energy and it was just so easy to work with him because I just had to react. I just had to respond to everything he was doing and he made it easy for me. And I don't know, I think from day one, there was never any effort that had an added effort or an extra effort that was needed. It just flowed. It felt magical. It was organic. And I don't know, I think he's one of the finest actors that we have and maybe that's why even such an amazing co-star to work with. Sandeep sir, this side, to your left. Jyoti from Movies Adda. My question is, first of all, amazing trailer and Shahid is looking superb. Kiara, you're looking beautiful. And aapke liye Shahid pehli choice the, matlab Shahid hi kyun? Of course, we have no doubt Shahid is an amazing actor. Wo trailer mein bhi dikh raha hai. But aapke dimag mein kya thought process tha to choose Shahid for this role?
I didn't choose him, it just fell in place. Things fell in place. And actually, it's not the point of first choice, but the moment I came to know that, you know, mutually everybody are interested, then there was no second thought. So it went after that. And yeah. Shahid, towards your right. Hi. The trailer looks amazing. You've got, yeah, the trailer looks amazing. You've got compliments from everywhere. We got to know that Prabhas even called and had a word with you and praised it. So, thoda batana chahenge kya kaha unhone? No, actually, me and Prabhas, we get our hair cut from Alim. And Alim was with him and I think the teaser had just come out. And Alim called me. I actually missed a couple of his calls and then I've called him back. So, he said that, you know, I'm with Prabhas and I'm giving him a haircut and he wants to speak to you. And then he spoke to me and he was very kind. He said that he really, really enjoyed the trailer and he was happy to see that it's, you know, it has fresh energy and it's not looking like a copy-paste of the original. And yeah, I was super happy. I mean, it made my day because I love to see him on screen and it was very kind of him to reach out like that and appreciate the film. Also, you know, he is closer to the world that Sandeep has been from. So to get acceptance from somebody like him, because this film is fundamentally for the North audience. You know, of course, it is for everybody. But because we have made it in Hindi, the target audience has to be that. But to get appreciation from Prabhas was very encouraging because we hope and we pray that the people who have loved Arjun Reddy will also give the same love to this film because, you know, what they loved is what we've tried to recreate. We've not tried to take away from that at all. We take two last questions. Shahid. Hi, Sandeep, sir. Shahid. Sandeep, sir, this is... Shahid, straight here, near the cameras. I don't know if you can see me. Yeah, I can see you, buddy. Yeah. Hi. Shahid, what is the census certificate that you're hoping to get for this film? So, we're hoping to get a UA certificate. We don't know if we will or not, but we believe that there is no reason for us not to get a UA certificate. I think it's important that today we are able to tell stories honestly without sugarcoating them. I think the audience is mature enough to understand that. And I think the censors also should give heed to that. There is nothing which is putting off in this film. It's an honest depiction. And I think honesty should be allowed to showcase itself. Also, you know, Mental Hikya was supposed to release alongside your film. Happy that it has shifted now? Well, we had announced this release date almost a year back. 21st June is something that we had announced very long back. So we were very clear that we're coming on this date and we were happy that we had a solo release. And then, of course, there was an announcement of Mental Hikya and then they themselves chose to shift it. I wish them all the best. You know, it has Rajkumar and Kangana. They are fantastic actors. I love to watch them on screen. And yeah, we're very happy that we're a solo release. It's always best to be in that place and we're very happy to have that. Also, just one quick question. Who is the other... 1 second. Shahid, the... Shahid, who is the other love interest of your film, in the film? The other lady, when you have... I don't know if I'm supposed to talk about it or yeah, not. You can. No, koi nahi. Tu thodi decide karega, you can. Hi, Sandeep sir. Sandeep sir, this is Ravi Gupta from Filmy Fever. Theek aapke saamne. Here, sir. Yeah. Sir, kya aap batana chahenge ki aapne jo pehli film banai hai, Arjun Reddy, aapne kyu banane ki koshish ki? Aisa kya aapko influence kiya jo aapne chaha? कि इस फिल्म को मैं कन्वे करूं ऑडियंस के सामने और उसके बाद आपने हिंदी मार्केट में भी इस फिल्म को रिलीज किया है सो व्हाट हैज इन्फ्लुएंस्ड यू टू मेक दिस मूवी एक्चुअली यू नो व्हेन कमर्शियल सिनेमा इज रूलिंग द रूस्ट एंड यू नो व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स आर मेड इन हिंदी और तेलुगु और तमिल एंड आई हैव नेवर सीन अ फिल्म व्हिच स्टार्ट्स विद अ ग्लूमी मूड डार्क मूड एंड इट गोज ऑन फॉर 100 मिनट्स इन द फिल्म एंड विद द लेंथ ऑफ 3 आवर्स ए तू क्वेश्चन पूछा सुन रहा नहीं मारा अभी सबको समझ में आ गया कबीर सिंह कैसे बना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चलो लेकिन एक दूसरे लोग होते हैं जो आपको सच्चाई भी बताते कहीं पर कोई मेरा यूजुअली उल्टा होता है भाई पास वाले बोलते क्या बकवास है आपका सवाल क्या है क्या लेता हूँ मैं भाई मतलब सवाल क्या है मैं कॉफी लेता हूँ चाय लेता हूँ
वेजिटेरियन लेता हूँ. अच्छा, यू आर सेइंग कि अगर किसी को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? इट डिपेंड्स कि वो कहाँ से आ रही है वो चीज़. बहुत ज़रूरी है ये समझना कि लोग आपको किस वजह से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बिकॉज आजकल क्रिटिसाइज़ करना एक बहुत आम चीज़ हो गई है. लोग क्रिटिसाइज़ करने के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं, इट्स लाइक टाइम पास. कुछ लोग हैं जो मेरे जीवन में बहुत अहम हैं, जैसे मेरे फादर हैं, मेरी मॉम हैं, मेरी वाइफ हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, और जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है उनकी ओपिनियन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए होता है कि इज़ द डायरेक्टर हैप्पी विद व्हाट आई हैव डन, बिकॉज ही इज़ द वन हु हैज़ द विजन ऑफ द फिल्म एंड द एफर्ट इज़ टू ट्राई एंड वो जो कहते हैं उसको अपना बना के निभा पाना. आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी होती है एक एक्टर और डायरेक्टर की रिलेशनशिप के बीच में, बिकॉज अगर आप उसको अपना नहीं बना सकते तो वो कहीं ना कहीं फेक लगेगा, और डायरेक्टर को जो चाहिए उसको किसी ना किसी तरह बना के प्रेजेंट करना ही पड़ेगा. उसके अलावा फिल्म के ऊपर ओपिनियंस होती हैं. इवेंचुअली जब फिल्म रिलीज़ होती है तो यू नो आपको समझ में आ जाता है कि ज़्यादातर लोगों को अच्छी लगी या कम लोगों को अच्छी लगी. तो आई ऑलवेज़ वेट फॉर पीपल टू सी द फिल्म. बट इट्स इंटरेस्टिंग कि कबीर सिंह एक ऐसी फिल्म है, इसका जब पोस्टर आया था, इसका जब टीज़र आया था, तो द नंबर ऑफ़ कॉमेंट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, आई हैव नेवर गॉट सो मेनी कॉमेंट्स. इतना ज़्यादा यू नो यूजुअली फिल्म रिलीज़ होने के बाद लोग अपनी ओपिनियन बनाते हैं, लेकिन क्योंकि ये अर्जुन रेड्डी की रीमेक है जो एक कल्ट फिल्म रह चुकी है जिसकी एक बहुत स्ट्रांग ऑडियंस है, तो उस वजह से लोग बहुत स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड हैं यू नो. तो लार्जली आई थिंक वी गॉट अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स. देयर वर सम पीपल हु सेड वैसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वी आर नॉट श्योर. तो उनके लिए 21 जून है यार, वो 21 जून को डिसाइड करें. वी होप दैट वी कैन मेक देम हैप्पी. उसने डिसाइड कर लिया तेरे सवाल को जवाब ही नहीं मिलना चाहिए, अगला सवाल पूछ ले. संदीप, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था. जस्ट एन ईयर फ्रॉम पीटीआई. संदीप, माय क्वेश्चन इज, ऑफ कोर्स अर्जुन रेड्डी वाज अ स्मैश हिट एंड इट रियली वेंट अक्रॉस पैन इंडिया, बट देयर वाज अ क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग द पोर्ट्रेयल ऑफ द क्विंटेसेंशियल मेल with lots of people coming out and saying that it sort of projects toxic masculinity, it sort of uses anger as a tool to justify what the character is doing. When you were remaking Kabir Singh, sort of Arjun Reddy, were these criticism playing in the back of your head? And to Shahid, are you aware of also this other part of the debate that the film sort of portrays a man who is reckless and uses the tool of anger to justify the abuse and the assault that whatever he does? Comments from both of you? Anger is a very special quality. And there's nothing wrong in using anger as a tool. It can be used, you know, any way as individual wanted. So I don't think so any critics or what they've mentioned in Telugu is running in the back of my mind. And you know, I think sometimes we're very hypocritical about how we tend to look at cinema which is made in India. And then we watch things which are made internationally and we tend to praise them for the fact that they are so honest and they are so straight and they're not trying to be politically correct all the time. You know, cinema is meant to showcase different people having different experiences, behaving differently. It's not about wonderful, perfect people. I don't think anybody would come into the theater to watch films which are about wonderful, perfect people. I think we all are imperfect in our own ways. We all have gray areas within ourselves. We all go through good phases and bad phases. We all have been angry at some point in time. We all have been hurt at some point in time. We all have been negative at some point in time. And to me, watching a film by Kabir Singh, one, will help you understand that when you allow yourself to be affected by those things, it can take you to the path of destruction. And it can warn you from going in that route. And on the other hand, for people who might have been there, it's very therapeutic because sometimes cinema acts as medicine. You know, you see something that you relate to and it helps you have a catharsis of a certain sort. And to me, Kabir Singh is a very cathartic film because I think it makes you very honestly go through a journey of a man without trying to, you know, be very sugar-coated about it, because then that's not really making something substantial, right? That's just being very, very... I would say, you know, it's, I don't know what the word is, but you're manipulating it, right? You're manipulating it. But I think Sandeep has made a very honest film and people should watch it knowing that, you know, if people only want to come and see people going, hey, hey, ha, ha,
then I don't think cinema will go very far, man. We need to be able to make real films. Thank you so much, ladies and gentlemen. And yes, as promised, we're going to take a couple of questions from the fans up there. So, jaldi se, can we hand over the mic to them? Shahid, I have one more question. Please. Shahid, while using anger as a tool is not wrong, Arjun Reddy had a very... it was problematic when it comes to the way he reacts, treats the woman. He goes and slaps her and the way she slaps him also. Yeah, but... You notice that? No. She slaps him first. But there is more aggression. There is more aggression when it comes to Arjun Reddy showing it towards a woman. So what do you have to say about it? And have you all tried to not do it in this film because of the whole... Because of the whole, things are changing. So even the films should evolve. So if you have to say something about that. How should films evolve? What is your interpretation of films evolving? If you can... To always show the right thing. Okay. I've done a film called Jab We Met. Yes. Who was the aggressive character in the film? Okay. I played the submissive character in the film. I've done a film called Padmavat. I was playing the much more quieter, internalized character in the film. And then I've done a film called Kabir Singh, where I'm playing the aggressive character in the film. But what about... Yeah. All right, so we'll just take a question from here. No, Poochna Charan. Yes. Sorry? Baba, we have all been in college. In college, there are alpha males. There are men who feel that they have a sense of territorial ownership over a certain place. And there are other men who are not so aggressive in their behavior. Some films depict those kind of characters. This film depicts this kind of character. You see the film, no, you see what happens to him. You remember Tommy Singh? Tommy Singh does much worse things than Kabir Singh does, actually, in my understanding. I mean, he's singing a song in his introduction, you know about what? You know, so it's not, if I start justifying characters, I can't be an actor. I have to play characters for their good and for their bad. I have to represent them honestly. That's what acting is about. Otherwise, I'm just, I'm just wanting people to like me. That's what stardom is about. Acting is about being honest, letting people dislike you sometimes. It's okay. It's important. Kabir Singh ko angry nahi karne ka. Okay, so Shahid, we have a question from here, on your right. Hi, Shahid. Hi. So, I hope you remember me. See? I can't see you at all, but you were standing outside my gate. Yeah. And I'm took a selfie with you. Diesel. And then you came again for a second selfie. Then you came again for a second selfie. And now you have come here. I'm to click picture with you. I love you, buddy. Okay, so first of you. All, I like the trailer. Thank you. So, every time your picture comes like R. Rajkumar, Kamine, Urta Punjab and Kabir Singh. Okay? So, every time I live your character. Okay? See, you can see I'm growing my beard also. Okay? So, this time also... Only live him in the Dadi Panta. Don't go beyond yeah, that. Yeah, that's what I'm asking. No, this auntie is going to catch you. When Urta Punjab came, so I started abusing people like, oh, I'm the Gabru kind of thing. Okay? Now the Kabir Singh. So, like, how to promote your video, like, Dekh yaar, tu agar gali dega, to tere saath bhi wohi hoga jo Tommy Singh ke saath hua tha. Okay. Uski band baj gayi thi film ke second half mein. Okay. To aisa mat kar. Okay. Be nice. Thank you so much. Love Thank you, brother. I love you too, bro. Mujhe laga khushi mein meri puppy na le le yahan pe. All right. So, one more question. Wo kaun tha jisne booking kara rakhi thi? Come on, ask. Scream. Chilla na. Haan, come on. Puri footage khani hai ise bhi. Hello sir, पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हम लोगों को यहाँ बुलाने के लिए। No, thank you for all of you for coming. Really means a lot. Thank you. तो पहली चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, दाढ़ी का ट्रेंड आपसे आया, हैदर में गंजा होने का ट्रेंड आपसे आया, आपको देखके सब गंजा भी हो गया, दाढ़ी भी बढ़ाई, तो आगे ऐसा कोई ट्रेंड है? मतलब मैंने तेरी लाइफ बर्बाद कर दिया बेसिकली। घर पे मम्मी डैडी बोलते होंगे यार इस आदमी की पिक्चर ही क्यों देखता है ये लड़का कोई और नहीं पसंद सही कह रहे सर मम्मी डांटती है अबे तू उसको देख के गंजा हो जाता है तू उसको देख के दाढ़ी बढ़ा लेता है तो सर ट्रेलर देखा एक ट्रेलर देख के बोलते हैं कि अच्छा था वो बोल रहे हैं आप बर्फ डालो बाहर मिलेगी वो कोका कोला पेप्सी के साथ क्यूब्स वाली सर ट्रेलर देख के एक होता है कि अच्छा था एक ट्रेलर देख के होता है कि बोलती बंद हो जाती है कुछ कहा नहीं जाता तो वो ट्रेलर ये था सर बयां कर सकते थैंक यू सर बोलती बंद में इतना बोल गया भाई खुली होती तो क्या करता हेलो सर थैंक यू
इस बेहतरीन मूवी के लिए. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि आपकी इमेज मेरी मेरी और मेरे फ्रेंड्स की नज़र में ये है कि बहुत ही चॉकलेट और बहुत ही हैंडसम बॉय की इमेज है, और मैं ये मूवी देखने के बाद आप बहुत ही चॉकलेट और थोड़ा चॉकलेट में फर्क क्या होता है? दूध ज्यादा होता है, कोकोआ ज्यादा होता है, क्या दिल से फैन हो गया हूँ सर इस ट्रेलर देखने के बाद. मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी कुछ दिन पहले जब मैंने देखा था और आज देखा तब भी. और आपको सामने से देखने के बाद तो मैं एक बार होश गुम हो गए थे मेरे यार, सामने खड़े हैं शाहिद कपूर सर. मैं सर एक बात पूछना चाहूँगा, एज एन एक्टर मैं अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं सर अभी तो, और मैं ये पूछना चाहूँगा सर, हर कोई ये बताता है कि कैरेक्टर में घुसने के लिए मैंने ये किया, मैं दो दिन चार दिन कमरे में बंद रहा, मैंने उसको ऑब्जर्व किया, मैंने ये किया. सर आपने इतने फाड़ कैरेक्टर करने के लिए क्या किया सर? फिलहाल तो मैं यार अपने बेटे जैन के डायपर चेंज करता हूँ. That really helps me get into character. So please, honestly, मैं जानना चाहता हूँ. कभी-कभी उसमें भी होश उड़ जाते हैं ऐसे. क्योंकि आपकी आंखें और आपकी बॉडी लैंग्वेज सर बिल्कुल ही अलग बयां कर रही है सर आपके. नहीं यार, मैं honestly script और filmmaker जो होते हैं वो सबसे important होते हैं. और आप usually actor को पसंद करते हैं, आप उनकी acting को पसंद करते हैं, लेकिन उसकी वजह होती है जो script लिखी जाती है, जो writer और filmmaker लिखते हैं, और जो direction filmmaker actor को देते हैं, उसी वजह से आप कुछ नया निकाल पाते हो. तो जो भी कबीर से मैं आ देख रहे हो उसका पूरा क्रेडिट गोज टू संदीप रेड्डी वांगा. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर. बच्चे मत ढूंढने लग जाना डायपर जब बदलने के लिए. हेलो सर. सर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेलर बहुत सही था. थैंक्स एंड कुछ और कुछ बोलना नहीं, क्वेश्चन नहीं है, बस इतना बोला कि मुझे आप बहुत पसंद है सर. आई रियली लव यू सर एंड वी ऑल लव यू अ लॉट. सो ऐसे ही सर और भी आगे भी ऐसे ही मूवी करते रहो. एंड आई लव यू टू मैम एंड ऑल्सो सर. मैंने अर्जुन रेड्डी देखा है मूवी सो इसलिए. एंड मैंने अर्जुन रेड्डी पहले देखा था एंड जब मालूम पड़ा कि मेरा फेवरेट एक्टर उसमें, देन इतना अच्छा लगा था. एंड सीरियसली सर आज ट्रेलर देख के तो और अच्छा लगा. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच मैन. थैंक यू, आई लव यू. एक दे दे नहीं तो तेरी पप्पी ले लूंगा मैं. हाँ जाओ. हाँ हाय शायद पप्पी लेने के लिए इधर आओ. ये खड़ा है पप्पी वाला आदमी. सब लोग जाके इसकी एक पप्पी ले लेना, फिर ये पप्पी का ऑब्सेशन भूल जाएगा, इसको पप्पी की ओडी मिल जाएगी. हाय शायद सर. Hello. So I have been your fan from last many years and I am seen your each and every movie. It was like a dream for me to talk to you once, which I have completed today. Thank you for inspiring us. Just I need one suggestion, like in each and every movie you give your 100%. So what makes you inspirational behind that, behind your each and every role? I think, you know, these days film takes 6 months, 8 months, 9 months to make. And everybody puts a lot of hard work, you know, and because, you know, as an actor, you're leading it from the front. The filmmaker, the actor, the producers, you know, Kiara, all, I mean, we are the people who have to, you know, do our best because everybody who's a part of the team is depending on us. So there's no reason, yeah. I mean, you do it because you love movies, you do it because you want to make your team proud, you do it because you've spent so much time on something, you want to give it your best. So, you know, that's it. One last question here. Hi Shahid. Hi. So good to see you finally, and I loved the trailer. Just thank one you. Thing. Thank you. So as a girl, I fell in love with you when I saw the Aditya from Jab We Met, and then the Vivaah character. And now you're transitioning into such characters. It's really good, as you said, that it's an actor's role. But do you have any plans of going back to that chocolate boy that we fell I'm then a sweet college boy. I'm playing the no clean shaven. The whole time he's with me, he's chocolate boy. Yeah. And with he her, never looked younger and better. With her, I am behaving very nicely. Clean shaven, no ulta seedha. Most of the time. All right, thank you so much, ladies and gentlemen.